हर एक इंसान यही चाहता है वो सुख चैन से जिए, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें को हलचल ना हो और उसके कदम उसे पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएं। कोशिश इंसान की यही होती है कि खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में भरपूर आए। और बहुत सी बार हम सोचते हैं कि शायद खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बाहर की चीज़ों से ही आएंगी। इंसान पूरी कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना हो। सबसे पहले तो इंसान यही सोचता है कि शायद धन दौलत अगर होगी तो बाकी चीज़ें ज़िंदगी में ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और उस धन दौलत को कमाने के लिए हम सब जुट जाते हैं, उसके साथ साथ नाम शौहरत और वो चीज़ें जिनको हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास होंगी तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, उनको पाने के लिए हम लग जाते हैं। बाहर की चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं शायद इनके ज़रिए हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जिसके पास घर ना हो सोचता है जब मेरा अपना घर होगा मैं बड़ा सुखी होऊंगा, जिसके पास बाइसिकल है सोचता है जब मेरे को स्कूटर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, जिसके पास स्कूटर है उसको लगता है मेरे पास कार होगी तो बहुत अच्छा है, जिसके पास एक कार है सोचता है दो होंगी तो बड़ा आराम होगा। तो इच्छाएँ इंसान की समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं और हम हर एक चीज़ को बाहर ध्यान देते देते ही अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और उनके ज़रिए सिर्फ बाहर की चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। इस करके उन्हीं को असल समझते हुए ज़िंदगी के क्षणों को हम गुजारना शुरू कर देते हैं। जब हम पिता परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई कोई जगहें होंगी जहाँ पर पिता परमेश्वर आसानी से मिलेगा। और इंसान ये भी सोचता है कि अगर उसकी समझ बढ़ेगी, अगर उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उसका दिमाग तेज़ होगा तो शायद वो फिर हर एक चीज़ को समझने के लायक होगा, और जब ज़्यादा चीज़ें समझ सकेगा तो शायद उसकी ज़िंदगी फिर आराम से गुजरेगी। तो बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान देते हुए, अपने दिमाग को तेज़ करते हुए ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, एक जगह फरमाते हैं कि करे तलाशे जिनू जुल्मते किरत से कहो, जिनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम सब वो अवस्था चाहते हैं जो खुशी से भरपूर हो, सुख चैन से भरपूर हो, आनंदमय हो, ताकि हम सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जिए। लेकिन हम सब उसे अपनी सोच समझ के लिहाज से पाने की कोशिश करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे खिरत कहा गया उर्दू में, कि वो रोशनी नहीं, वो जागृत नहीं, वो एक अंधेरा है। अंधेरा क्यों कहा गया? कि वो हमें असलियत से हटाकर दुनिया की ओर करता चला जाता है। ये दुनिया जो माया की दुनिया है, ये दुनिया जो असलियत से बहुत दूर है, ये दुनिया जिसमें कि सच्चाई क्या है उसका हमें अनुभव नहीं होता,
ये दुनिया जो बाहर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और ही है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में हम ध्यान देते देते ही जिएंगे तो हम असलियत को कभी पाएंगे नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो दिमाग है, जो जो हमें अंधेरे की ओर लेके जाता है, जो दुनिया की ओर लेके जाता है, उसे हम समझाएं कि जो सुख चैन की अवस्था है, जो प्रभु को जानने की अवस्था है, प्रभु से एकमेक होने की अवस्था है, वो जागृत होने की अवस्था है, वो रोशन होने की अवस्था है, कि उस रोशन अवस्था को जब हम पाएंगे, जब अपने आप को जागृत पाएंगे, तो हम फिर सुख चैन से जिंदगी जीना शुरू हो जाएंगे। तो वो जागृत अवस्था हम पाएं कैसे, जो रोशन अवस्था है जिसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, उस अवस्था में जाएं कैसे? कोई ऐसी जगह है जहां हम जाते हैं, वहां इतनी रोशनी है कि हमारी आंखों के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, हम जगमग हो जाते हैं। उस जागृत अवस्था के बारे में बहुत से महापुरुषों ने कहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के बारे में बहुत कुछ खोल खोल के समझाया, वो फरमाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। वो फरमा रहे कि जो जागृत अवस्था वो आपके भीतर है, सब कुछ आपके घर में है। ये शरीर आपकी आत्मा जो आपका असली रूप उसका घर है, सब कुछ इसी घर के अंदर है। ये सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर इतने कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया माया की दुनिया, धोखे की दुनिया, फरेब की दुनिया, लगाव की दुनिया है, हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाने की दुनिया है। इस और जितना ध्यान दें उतने ही आप असलियत से दूर जाएंगे। जो इंसान बाहर की दुनिया में सच्चाई को ढूंढने में लग गया, वो फिर भ्रम की जिंदगी में चला जाएगा। एक धोखे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और उससे वो निकल नहीं पाएगा। तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया, सच्चाई की दुनिया, प्रेम की दुनिया, जागृत अवस्था में आने की दुनिया, और अंदर से जगमग जगमग होने की दुनिया। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। दुनिया किसी चीज से बंधी नहीं हुई, दुनिया जो असीम है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो लिमिटलेस है, क्योंकि पिता परमेश्वर के आस पास कुछ बंधन लगाए नहीं जा सकते, ना उन्हें कोई आकार दिया जा सकता है। तो हम इंसान हम सोचते हैं इस शेप में परमात्मा है या इस रूप में परमात्मा है। परमात्मा तो कण कण में समाया, उनको कोई रूप बंद नहीं कर सकता। उस शक्ति को जो सारे सृष्टि को चला रही है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। वो तरीका है जिससे कि ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ सके, उसको जानना, उसको पहचानना है और उस रास्ते का इख्तियार करना। और जब उस खूबसूरती को देखते हैं, उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तो खुद ब खुद हमारे अंदर सुकून, शांति, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ये सब आने शुरू हो जाती हैं। और हम अपने आप को सच्चे रूप में देखने के लायक हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए और किस किस्म की समझ
हमारे अंदर हो, ताकि हम असलियत को जाने। उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, जो फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाई, तो उसके आगे फरमा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये भरम की जिंदगी से छुटकारा कैसे पाए, कि असलियत को पाए कैसे। तो फरमा रहे गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी, कि अंदर में जाने का तरीका कहाँ से पाएं। हम लोग किसी सद्गुरु किसी गुरु के पास जाते हैं तो क्या हम प्रसाद लेते हैं, उनसे कहा गया कि प्रसाद दोनों हाथों में लेना चाहिए। जो प्रसाद हमें मिलता है हम उसका ग्रहण करते हैं, हमारा यही बिलीफ है कि उस प्रसाद से हमें बहुत फायदा होगा। तो गुरु साहब यहाँ कह रहे हैं कि गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, बाहर के प्रसाद की बात नहीं कर रहे, करें कि गुरु का प्रसाद जिसने अंदर में पाया वही अंदर बाहर से दोनों तरह से सुखी रहेगा। तो अंदर का प्रसाद क्या है? प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जिसके ऊपर सारे सृष्टि रची है, वो शब्द जिसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निजधाम सच्चन में जा सकते हैं, कि उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं और उस शब्द को हम पा सकते हैं, और उस शब्द को जो हमें जोड़ देता है वो हमारे सद्गुरु, और उनका जोड़ना हमारा ही अंदर का प्रसाद है। बाहर का प्रसाद तो बाहर की स्वीट्स हो गई, किसी किस्म का प्रसाद हो सकता है, लेकिन जो ये अंदर का प्रसाद है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी समझा रहे हैं कि जिसके ऊपर एक पूर्ण महापुरुष की दया मेर हो गई, कि एक पूर्ण महापुरुष ने अंदर की दुनिया का प्रसाद हमें दिया, उन्होंने अपनी तवज्जो दी, अपनी नाम की कमाई का कुछ हिस्सा हमें दिया, हमारे शिव नेत्र को खोला, दसवें द्वार को खोला और हमें अंदर की दुनिया में जाने के लायक बना दिया। जब तक ये द्वार खुलेगा नहीं तब तक अंदर की दुनिया में जा नहीं सकते। तो खुलता कैसे? जब उनकी नजरें कर्म होती हैं, जब उनकी तवज्जो पड़ती है, तभी ये ब्रिज कवाड़े जो हमारे दसवें द्वार पर आयरन कर्टन पड़ा है ये हट जाता है, तभी हमें अनुभव होता है कि अंदर की दुनिया में भी हम बढ़ सकते हैं। और जब अंदर की दुनिया में जाते हैं तो क्या मिलता है, वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। करें हमारे अंदर अमृत की धारा आस्ते 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 बरस रही है, हर समय चल रही है, जैसे रिमझिम होती है, बारिश आती है आस्ते आस्ते आस्ते, कि झिमझिम बरसे अमृत धारा। उसमें अगर आप जाओ तो ना तो पानी तेजी से लग रहा है, ना ही तकलीफ हो रही, बड़े आराम से उसमें भीगने का मजा कुछ और ही है, और सारी आपकी सफाई हो जाती है। तो फरमा कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, कि जो अमृत की धारा बड़े आराम से हम सबके अंदर चल रही है। और आगे कह रहे मन पीवे सुन शब्द विचारा, कह रहे कि वो जो अमृत धारा चल रही है उसका असर किस पर होना, हमारे मन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा मन है जो हमें विचारों में लेके जाता है, हमारा मन है जो हमें डिजायर्स की ओर लेके जाता है, हमारा मन है जो हमें अंदर की जगह बाहर की दुनिया में लेके जाता है। और जब मन उस अमृत के साथ जुड़ता है, मन पीवे, तो क्या होता है? सुन शब्द विचारा, तो फिर हम जो अंदर का शब्द है, जिसे अनहत शब्द कहा गया, अनहत का मतलब होता है कि वो शब्द जिसके लिए किसी भी इंसान के शरीर के किसी हिस्से की जरूरत नहीं, जो खुद ब खुद चल रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इस दुनिया का लें, उसके लिए या तो मुंह में डालना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट, या उसको फूंक देनी पड़ती है, या उंगलियों से बजाना पड़ता है, या तबले पर ठप 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 करनी पड़ती है, सितार हो तो उसको भी उंगलियों से बजाना पड़ता है। तो इंसान की कोई ना कोई
शरीर की जरूरत है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। तो बोले वो शब्द जो प्रभु ने चलाया हुआ है उसको हम सुनने के लायक हो जाते हैं। तो तरीका बता रहे हैं अभ्यास का, शरीर शांत हो और मन शांत हो, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जी। तो फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अंदर के शब्द को सुनने के काबिल हो गया, 24 घंटे दिन हो चाहे रात हो, कि आनंद विनोद करे दिन राती, वो सुख चैन में रहता है, खुशी से रहता है, क्योंकि उसको अंदर से वो सपोर्ट मिल गई, वो तसल्ली मिल गई, प्रभु का शब्द मिल गया, उसे किसी चीज की फिर फिक्र नहीं। और हर समय उसका नजरिया जिंदगी में ऐसा होता है जो कि सुख चैन से भरपूर हो। क्योंकि ये शब्द करता क्या है, वो आगे समझा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़िया मिलाया, सात कृपाते सूखा हारिया। वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब घास होती है, जब जब बड़ी धूप निकलती है और बारिश हो नहीं रही और पानी दे नहीं पा रहे, तो घास कहते सूखनी शुरू हो जाती है, पीली सी हो जाती है, लेकिन मरती नहीं कभी भी। जैसे उसको पानी दिया जाए, जैसे ही बारिश आती है या उसको पानी दिया जाता है, वो फिर से हरी होनी शुरू हो जाती है। वही हालत हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, वो सिकड़ गई है, उसमें नरिशमेंट नहीं, ताकत नहीं, लेकिन मरी नहीं। जैसे ही वो शब्द के साथ जुड़ती है, उसमें ताकत आ जाती है, फिर से वो हरी भरी हो जाती है। तो फरमाने सात कृपाते सूखा हरिया, कि जब एक संत महात्मा की नजरे कर्म पड़ी, तुम्हारी आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, उसमें हरियाली आ गई, में तंदुरुस्ती आ गई, वो फिर से उड़ने के लायक हो गई और अंदर की मंडलों में उड़ान करने के लायक हो गई। नहीं तो वो सिकड़ी सी पड़ी हुई थी, ना इधर जाती थी ना उधर जाती थी, वो 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंसी हुई थी। और जो जन्मों से हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी हुई थी, वो एक पूर्ण महापुरुष की दया मेहर से फिर प्रभु से मिलने के लायक हो गए। उनकी दया मेहर हुई, उन्होंने आत्मा को उभार दिया, वो शरीर से ऊपर उड़ने के लायक हुई, अंदर के मंडलों में बड़ी, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, उसको पार करते पार ब्रह्म में, पार करते सचखंड में पहुंची। और उसका मिलाप फिर पिता परमेश्वर में हो गया। यही हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान वो बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करें, शब्द का अनुभव कराएं, अपने शरीर को शांत कर पाएं, मन को शांत कर पाएं, अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाएं, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो इसी जिंदगी में हम सबके लिए पूरा हो जाए।